अरे दर्द हुआ। Best of me now, best of me now, best of me. भाई साहब क्या थक गया हूँ मैं सुबह से, आगे नहीं चल रहा क्योंकि इतना सारा दिमाग यूज कर दिया है और थक इसलिए गया हूँ, थकने का एक ही रीजन है, राघव ब्लॉग्स का ब्लॉग एडिट करके डाला, ठीक है, फिर राघव पटारे चैनल पे वीडियो डाली, उसके बाद रील भी पोस्ट करी, उसके बाद अभी मैं आर्टिकल लिख रहा था जो XBHP मैगजीन में आने वाला है, तो ये बहुत सारा काम कर लिया आज के लिए, बट अभी भी थोड़ा दो वीडियो एडिट करना रहता है फिर ये ब्लॉग आएगा। तो उसके बीच में एक खुशखबरी है, उसके बीच में एक खुशखबरी है कि तुम्हारे भाई के जो इसके पैसे थे, आईफोन को ठीक कराने के पैसे थे, जो इंश्योरेंस के पैसे थे, वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं और मेरे को जो है 90% जो है मेरा फोन का जो बिल है 25,000 के अराउंड का खर्चा है स्क्रीन लगने का, और वो करवाना ज़रूरी हो गया क्योंकि अब क्या है, चार्जिंग केबल जब भी लगा रहा हो तो फ़ोन मिस टच मार रहा है, ठीक है, मैं चार्जिंग करते फ़ोन यूज़ नहीं कर पा रहा, तो वो करवाना ठीक ज़रूरी हो गया, एक वो ठीक होगा तो मेरे को अराउंड 23,000 रुपये मेरे अकाउंट में आ गए, तो मेरे को 2,000 रुपये ऊपर से लगाने हैं। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं हम मेट्रो स्टेशन मम्मी को लेने, मम्मी आ गई है स्कूल से और उन्हीं के साथ हम खाएंगे, और हमने डाइट पे भी ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है, बहुत सारी बात हो गई यार एक साथ बोलने के लिए। डाइट के इसी ने कि हमने 1 meal इन अ डे कर दिया है कि हम सिर्फ पूरे दिन में एक ही मील खाएंगे, मतलब खाली लंच होगा या फिर ब्रेकफास्ट होगा या डिनर होगा भैया, कुछ नहीं खाना, कॉफ़ी वॉफ़ी अलाउड है, चीनी बहुत लेस करनी है, बहुत ज़्यादा इसके बाहर नहीं है, तो ये सारे कुछ प्लान्स हैं, देखते हैं अमल कर पाते हैं नहीं, बट हो जाएंगे। अगर मैं राइड पे 1 meal राइड कर रहा हूँ, अगर मैं 4-4 दिन सिर्फ जो है एक ही मील खा के कंटिन्यू रख रहा हूँ, तो इसका मतलब फिर लोकल में तो बैठ के काम करना है उसमें तो हो ही जाएगा। और हाँ, 1 meal इन अ डे में चिकन कैसा भी कहीं का भी एक्सेप्टेड है, ठीक है, सिर्फ फ्राइड चिकन को छोड़ के, यानी KFC वाला जो शॉर्मा चिकन होता है, जो नॉर्मल चिकन होता है, वो सब चीज़ें अलाउड है, चिकन खाना इज़ मस्ट, क्योंकि हम प्रोटीन नहीं ले रहे हैं अभी, प्रोटीन इनटेक कम है, तो उसके लिए चिकन को चाहिए। अंडे मैं वैसे नहीं खाता, मेरे को एलर्जी अंडे से, ठीक है, तो 1 meal इन अ डे, और अगर सेकेंड मील होती है 1% को तो उसमें चिकन होना इज मस्ट, यस। बच्चे खुश है? खुश हाँ, अभी तो देख के खुश हो रही हूँ, खाके तो और भी ज्यादा। भाई साहब हालत देखना इसकी क्या, और भाई साहब मुझे अपना एक अभी प्राइमरी हेलमेट लेना है, तो देखते हैं कौन सा लेते हैं, एग्जॉर में यूज़ नहीं करूँगा ज़्यादा, एग्जॉर का एक ही दिक्कत है, एग्जॉर में ना विंड नॉइज थोड़ी ज़्यादा आती है, मतलब मैं सोल पहनता था, सोल इतना हल्का हेलमेट है, सोल मिल नहीं रहा यार कहीं पे भी, अगर मेरे को मिल जाता तो मैं सोल ले लेता, मेन सोल की सब ब्लैक ही मिल जाए, मेरे को रॉ मिल जाए सोल ना, मेरे को सोल इतना अच्छा लगता है, और सोल की सबसे अच्छी बात है अंदर कैबिन नॉइज़ नहीं आती उसके, अंटिल आपका वाइजर जो GoPro की वजह से थोड़ा सा खुला होता है वो ना हो, ठीक है, और साथ ही साथ कैबिन नॉइज़ से मतलब अंदर आवाज़ नहीं आती, और जो बाइक की भी आवाज़ है वो भी काफ़ी दबती है, और कितना हल्का है, और मैं एग्जॉस्ट जब भी पहनता हूँ मेरे को सर्वाइकल प्रॉब्लम होती होती है, और सोल में बिल्कुल नहीं होती, जैसलमेर ये लेर साइड पर बिल्कुल भी नहीं होती, तो अभी इसको क्लीन करते हैं, अभी तो फिलहाल यही है, सोल तो पड़ा हुआ है ऊपर, लेकिन उसके नक्के वक्के टूट गए हैं, वो गया हेलमेट हो गया उसका गार्ड, क्योंकि एक बार क्रैश हो गया ना उससे। शेरू भैया कह रहे हैं बैटरी इशू है, तो मेरे को सामने आ रहा क्या है, स्टार्ट हो रही है, पता नहीं क्या दिक्कत है, स्टार्टर मोटर पे भी दिक्कत हो सकती है, फ्यूल पंप पे भी दिक्कत हो सकती है। ओके, सुबह बेफालतू की शॉपिंग हो गई घुसते ही, क्या चॉकलेट ले लिए बहुत सारे, किटकैट दीदी की है और मेरे टी शर्ट ले ली है, ये वाला 12 साल बाद ये वाला मैकडोनल्ड्स पर रेनोवेशन पे गया। क्या कोल्ड कॉफ़ी पीनी है क्या आपको?
क्या बैग लेना था। हाँ तो वो तो फिर किस्मत किस्मत की बात है ना, चीजें कपड़े देख के शक्ल भी तो देख के होती है। गाइस कमेंट करके बताओ, बाइक का सारा काम अच्छा है ठीक है, टॉप बॉक्स भी एंड में लग गया, अब चालू कर लेकिन द पॉइंट इज मैंने सोचा हेलमेट पहनना, इतने टाइम तक तो मैंने करवाई नहीं थी, तो दिल्ली आ गए तो आज करवा रहे हैं यहाँ पे, तो इट्स क्वाइट जैसे कहते हैं अजीब फॉर मी बट लेट्स डू इट। चलो कर दे, देख क्या रहा है, कर दे खत्म कर। अरे दर्द हुआ, इट्स पेनिंग। पहली बार बॉडी में ऐसा कुछ करवाया, टैटू वैटू या पेयरसिंग वगैरह कुछ और भी करोगे क्या? तो सब छोड़ो भाई, देखो क्या खड़ी हुई लग रही है भाई साहब, सब लाइट पड़ रही है ना सीधा सैटर्न वाइट पर, ग्रीन कलर क्या लग रहा है, एंड इट्स क्वाइट पेनिंग फॉर मी, मतलब पेन हो रहा है मेरे को, हो रहा है। देखो सीन ऐसा है कि दर्द खुद हो जाए, बाइक गिर जाए, जो हो जाए जो हो जाए वो चीज़ें सहन हो जाती है, जब दर्द खुद दिया जाता है ना वो दर्द होता है। यहाँ से तो आ रहा है, आ गया, आ रहे हैं अच्छे से साफ कर रहा ठीक है, नहीं और कुछ नहीं भाई, ओ नहा ले हाँ आया ना, इसे कहते हैं लेडी चाबी, तो इसे अरे देख लेते हैं पहले पानी तो डाल। आरन बेटा जल्दी करो यार, महंगा वॉशिंग वाला गाइस, थार वाला वॉशिंग वाला रख रखा है हमने, देख रहे हो ऐसी बातचीत है हमारी। क्या हो गया भाई ऐसा, ATM कार्ड चोरी हो गया, जल्दी बताओ क्या हुआ, क्या हुआ है आपके साथ? तुम यार हैविंग आइसक्रीम हियर क्रीम स्टोन पंजाबी बात। हाय आर्यन, हाय आर्यन, आर्यन क्या हाल है? अगर पेयरसिंग का एक्सपीरियंस हो तो रात भर पेन रहा ठीक है, ऐसा नहीं है, अब वो सिर्फ मशीन से नहीं करा था उन्होंने, वो सीधा छेद दिया था ठीक है, तो आई थिंक उसकी वजह से होता था, बट इट्स लुकिंग क्वाइट गुड। और जो वार्ड्स है, अगर आपको मेरे चेहरे पे बहुत सारे वार्ड्स मोल्स दिख रहे हैं तो ये भी हट जाएंगे क्योंकि अपना इलाज चल रहा है, इसलिए ये और निखर के आ रहे हैं, मतलब और बाहर आ रहे हैं, और ये आई थिंक सो एक ही बारी में पूरी बॉडी से निकलेंगे और ये गिर जाएंगे, तो इसकी दवाई काफ़ी महंगी है, मतलब जैसे कहते हैं ना, तो वो थोड़ा रुक रुक के लेनी पड़ती है ठीक है। ऑफकोर्स मैं उन चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ जिन वजह से ना मेरा काम नहीं रुकना चाहिए ठीक है, तो वो ऐसा ही हूँ मैं, मतलब मेरी प्रेफरेंस वाइज कि मैं हमेशा पैसा उन चीज़ों में डालता हूँ जिनसे मेरा काम नहीं रुकना चाहिए, बाकी सब जैसे फ़ोन
मैंने अगर फ़ोन पे इन्वेस्ट करा है तो इससे मेरा काम नहीं रुकना चाहिए। बस 14 आ गया है, बट द पॉइंट इज 14 अगर सेम नॉच वाला सीन उसमें आता ना, क्या बोलते हैं 14 में, 14 प्रो में नहीं आता, प्रो मैक्स में, तो मेरा एक पल को दिल ऐसा गवारा हो जाता कि भैया ये लेना चाहिए। लेकिन अभी तक मेरे को क्वाइट सेम लग रहा है, तो मेरे को ऐसा रिग्रेट फेस नहीं है कि मैंने 13 लिया। इसको ठीक करवाएंगे, काफ़ी टाइम तक चलाएंगे। वैसे ही जून में मैं सोच रहा हूँ एक साल में फ़ोन चेंज कर देना चाहिए, तो जून में चेंज कर देंगे। 2 जून को हर बर्थडे पे, सोचो हर बर्थडे पे अपने आपको आईफोन गिफ्ट कर रहा हूँ नए वाले। ओ भाई साहब क्या सेक्सी सीन होगा। पर कोई नहीं, अभी ये सामान बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, इसको सफाई करनी पड़ेगी। माँ सुना के गई तो नहीं है, लेकिन सुनाएगी, पक्का सुनाएगी। इसकी साफ़ सफाई करते हैं और ये वाला ब्लॉग एडिट करते हैं।